होंडा CBR 150R। आपको पता है दोस्तों, इंडियन मार्केट में CBR 150R का बहुत दिनों से इंतज़ार किया जा रहा है, बट राइट नाउ अभी तक इस बाइक को इंडियन मार्केट में रिलॉन्च नहीं किया गया। अब मैं रिलॉन्च क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक टाइम पे CBR 150R जो है वो इंडियन मार्केट में आती थी, लेकिन जब से BS4 नॉर्म्स आया उसके बाद से ही इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जी हाँ, BS4 नॉर्म से ही डिसकंटिन्यू हो गई है और अभी तो हम BS6 फेज 2 नॉर्म्स में पहुंच चुके हैं। तो क्या CBR 150R आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे लोग CBR के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए बात करते हैं 150 CBR के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं CBR 150R के लॉन्च डिटेल्स के बारे में कि क्या डेट आ सकती है लॉन्च की। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि इंडियन मार्केट में अब जो होंडा है वो अपनी प्रीमियम बाइक को इनके स्पेशल शोरूम यानी कि होंडा की बिग विन से सेल करते हैं। अब देखिए, जब बिग विन्स आया था तो मुझे ये लगा था कि भाई होंडा कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि बिग विन्स आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपनी सारी जो सुपर प्रीमियम बाइक है वो इंडियन मार्केट में लाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। देखा जाए तो अभी जितनी भी बाइक आई है वो ज़्यादा प्रीमियम नहीं है और नॉर्मली बाइक आई है, कोई बहुत खास बाइक इंडियन मार्केट में फिलहाल अभी नहीं आई है। बट आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि जो होंडा की CBR 150R है वो इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी आ सकती है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में होंडा के पास एक भी ढंग की फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। आप लोगों को पता है फेयरिंग स्पोर्ट बाइक इंडियन मार्केट में नहीं आती कोई भी होंडा की तरफ से, तो इस रीज़न से दोस्तों ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं CBR 150R के बारे में। देखिए, CBR 150R जो है ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। उसके लुक एंड डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ऑफिशियल वीडियो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा शार्प और काफ़ी बेहतरीन जो बाइक है वो होंडा की तरफ से देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के बारे में, तो आपको बताना चाहूँगा जो CBR 150R है इसमें आप लोगों को 150cc का जो इंजन है वो मिलेगा, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन होने वाला है। CBR मैक्सिमम पावर में 20 PS के आसपास की पावर जनरेट करेगी एंड 14 के आसपास का जो टॉर्क है वो हमें CBR में देखने को मिलेगा। कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन होने वाला है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में FI होने वाला है। बाइक 6 गियर के साथ में आएगी एंड इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा। एंड हम ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि CBR 150R जो है वो एक लौती ऐसी बाइक हो सकती है जो कि R15 को पूरा टक्कर देगी। RS 200 पूरा टक्कर उसे नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक इंडियन ब्रांड है और ऑब्वियसली बात है जापानीज टेक्नोलॉजी को टक्कर देने के लिए जापानीज टेक्नोलॉजी आ जाए तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। दोस्तों इसमें आप लोगों को फ्रंट में फुली LED सेटअप में जो लाइट है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि डुअल सेटअप में आएगी, मतलब डुअल LED सेटअप में जो लाइट है वो हमें इस बाइक में देखने को मिलेगा। एंड वही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस बाइक में आपको ब्रेकिंग में डुअल चैनल एंटीलॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। बाइक में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल सकते हैं, लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, इवन मोबाइल कनेक्टिविटी जो है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। मतलब इस नज़रिए से भी जो है बाइक बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों जो CBR 150R है, आई थिंक मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट की फेयरिंग सेगमेंट की एक बहुत ज़्यादा मोस्ट लवेड बाइक है। CBR को बंद हुए बहुत टाइम हो चुका है, बट आज भी लोग CBR का नाम लेते हैं और नाम उसका मैं तो बोलूँगा नाम जपते हैं कि भाई CBR कब आएगी, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का आता है। तो दोस्तों देखिए, आपको बता दूं कि ये बाइक का लॉन्च जो डेट हो सकता है वो हो सकता है इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि देखिए, CBR होंडा को जो है लॉन्च कर भी देना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई फेयरिंग स्पोर्ट की एक भी बाइक नहीं है। ये लोग ज़्यादातर अपनी मोपेड यानी कि एक्टिवा में ज़्यादा ध्यान देते हैं और छोटी बाइक में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पता नहीं क्यों। ये लोग बड़ी बाइक के सेगमेंट में उतना काम नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये लोग उसमें सेगमेंट में काम करेंगे तो ये जो बाइक है बहुत ज़्यादा चलने वाली है। और CBR तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि एक प्रीमियम बाइक है और इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस बाइक का ट्रेडमार्क नहीं है या लोग इसे जानते नहीं है, ऑलरेडी लोग इस बाइक के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर ये बाइक होंडा लाती है तो भाई मज़ा ही आने वाला है। बाकी कौन कौन दोस्तों इस बाइक का वेट कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।